जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपको पहले स्वागत करता हूँ अपनी अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी में। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जाता हूँ। आपको कुछ लोगों को मैं बता दूँ, फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में अलग होती है, आधार कार्ड में अलग होती है, डेट ऑफ बर्थ उसको नहीं चेंज कर पा रहे, चेंज करने में 7-8 दिन लग जाएंगे। कुछ सोचते कि उस टाइम तक चेंज कराएं, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो पाए, कोई दिक्कत आ जाए, मतलब कि चेंज करवाने के लिए जब आप वहाँ पर दुकान वहाँ पर 15 दिन भी लग जाते हैं, कई बार 20 दिन भी लग जाते हैं, तो नहीं हो पाया फॉर्म में भर पाए। तो मैं आपको बता दूँगा, मैं आपको पूरा समाधान बताऊँगा कि फॉर्म कैसे भरना है। आपकी मार्कशीट आधार कार्ड में, डेट ऑफ बर्थ में, मार्कशीट में, दोनों में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है। तो मैं आज आपको उस बारे में जानकारी दूँगा। और एक बात बता दूँ, जिन्होंने 10वीं दोबारा करी है, कुछ होते हैं ना लोग जो जिद पेड़े होते हैं कि लगने के चक्कर में कि दोबारा 10वीं कर लेते, दोबारा 10वीं कर लेते, उनके लिए बताऊँ मैं कि अब आधार कार्ड का जैसे ही आप नंबर डालोगे ना, तो आपके आधार कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी, जो आप मार्कशीट की डेट ऑफ बर्थ डालोगे वो भी आपकी आ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ इस बारे में, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और पहले जिन्होंने भर्ती कहीं और देखी हुई है, उन्हें भी फॉर्म भरने में परेशानी आ रही होगी, तो मैं आपको इस बात का समाधान बताऊंगा आज क्या करना है। तो अगर 10वीं आपने दोबारा करी है, तो उसमें एक ऑप्शन दिए हुए आधार कार्ड स्टेट, सबसे पहले पूछता है स्टेट कौन से स्टेट से बिलोंग करते, उसके बाद आधार कार्ड नंबर, उसके बाद एनरोलमेंट नंबर के नाम से होता है, और उसके बाद होता है नॉन। अगर आप नॉन पर क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म ही नहीं भर पाता। पहली बात तो अगर आप नॉन पर क्लिक कर दोगे तो फॉर्म भर ही नहीं पाएगा, आगे आप भर ही नहीं पाओगे। तो मैं आपको सजा दूंगा कि आप इस पे एनरोलमेंट नंबर पे क्लिक करें, उससे आप अगर एनरोलमेंट नंबर डालोगे ना तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। क्योंकि अब आप कभी भी एडमिट कार्ड करने के लिए वेबसाइट खोलोगे तो उस पर आपका आधार कार्ड का नंबर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, मत करना वेरीफाई, एनरोलमेंट नंबर सेट बोल देना। एनरोलमेंट नंबर होता है 1400 का, मैं आपको बता दूँ 1400 का आधार कार्ड पर अगर आपको एनरोलमेंट नंबर नहीं पता हो तो एक तो वी आई डी के नाम से आईडी होती है, एक तो वी आई डी के नाम से, एक होता आधार नंबर और एक होता एनरोलमेंट नंबर जब आप अप्लाई करते हो, जिससे आपका बन करके आता है आधार कार्ड। तो मैं आपको बता दूँ कहाँ पर मिलेगा आपको ये आधार कार्ड होता है, इस प्रकार का आधार कार्ड होता है। तो आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है यहाँ पर सबसे ऊपर, ये देखो दिख रहा होगा आपको, यहाँ से आप देखना अपने आधार कार्ड में सबसे ऊपर लिखा होता है एनरोलमेंट नंबर नामांकन क्रमांक, जिसको आप उसमें डाल दें आधार नंबर, जहाँ पर आपका आधार नंबर मांगे ना, तो वहाँ पर आप आधार नंबर को छोड़कर एनरोलमेंट पर क्लिक करके डाल दें, आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप कैसे फॉर्म भर सकते हो, एक डिस्ट्रिक्ट से दो डिस्ट्रिक्ट से आपको भरते देगा, तो वैसे देखना गलत बात है, कोई दो दो डिस्ट्रिक्ट देखना मत, क्योंकि आपको पकड़ा जा सकता है, क्योंकि बायोमेट्रिक होती है, तो इसलिए कोई देख पाएगा नहीं है इसको, तो आप भूल जाओ पहले कहीं भर्ती देगी। अब अगर आप भर्ती देखोगे दो दो तीन तीन जगह से तो गड़बड़ हो सकती है। अगर आप एक इसी जैसे भर्ती देख रहे हो दोबारा 10 कर दो तो आप एक बार चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो आधार नंबर होता है ना बायोमेट्रिक, उनके पास ही रिकॉर्ड होता है, वो कहीं और रिकॉर्ड नहीं होता। अगर मान लो आपने यहाँ से देखिए पहले IRO से फरीदाबाद से देखिए, उसके बाद आप मथुरा देखते हो, फिर झांसी देखते हो, फिर राजस्थान में देखते हो, तो अलग अलग जगह जैसे यहाँ पर दौड़ पास कर दी, आज झांसी में भी, राजस्थान में कर दी, तो जब बायोमेट्रिक होती है तो यहाँ का एड्रेस आ जाता है, जैसे आपने पहले यहाँ पर भर्ती देखी हुई है IRO में, फिर आगरा में देखी हुई, तो पकड़ लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि एनरोलमेंट नंबर डाल करके पूरा फॉर्म भर सकते हो, और आपकी मार्कशीट और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लगा लेगा, फॉर्म भरने में परेशानी आए तो आधार कार्ड आप आराम से कहीं भी जा करके फिर चेंज करा ले, पर चेंज जरूर करा ले, जो भी कुछ कराना, मार्क डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नाम वगैरह कुछ भी करेक्शन है तो चेंज कराना, चेंज जरूर करा ले। और आपको और कोई परेशानी आती है तो कमेंट करके बताएं हमको, हम आपको उसका मतलब की परेशानी जो भी आप कुछ परेशानी है उसका समाधान लेकर कहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के पास शेयर कर दें। धन्यवाद।